धन धन बाबा श्री चंद जी, साध संगत जी का, बाबा श्री चंद जी के चैनल से आप जी का स्वागत है। अज असी साध संगत जी ने श्री गुरु नानक देव जी के नाल संबंधित एक साखी दसन जा रहे हाँ। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी और भाई मरदाना जी जिला मिट गुमरी के पिंड विच पहुँचे। बारिश बहुत हो रही सी, शाम का वेला सी। भाई मरदाना जी ने श्री गुरु नानक देव जी दे अगे बेनती की कि महाराज रात का समा हो रहा है अते रहन दा कोई प्रबंध किया जाए। गुरु जी कोलों भाई मरदाना जी आग्या लै के पिंड विच गए। सारिआं नूं रहन वास्ते जगह देण लई कहा, किसी ने भी उन्हां नूं रहन दी आग्या ना दित्ती। सारिआं ने उन्हां नूं वापस कर दित्ता। भाई मरदाना जी मायूस हो के वापस आए अते गुरु जी नूं सारी कहानी सुनाई। इन्ने नूं रात हो रही सी, हनेरा हो रहा सी। पिंड दे बाहर एक झुग्गी सी, श्री गुरु नानक देव जी की नज़र उस उत्ते पई। उस झुग्गी विच एक कोहड़ी व्यक्ति रहिंदा सी, जो अकेला रहिंदा सी। उसके घर वाले उस नूं रोटी पानी दे जांदे सन अते कोई भी उसके नेड़े नहीं जांदा सी, क्योंकि हर एक नूं डर सी कि किते कोहड़ की बीमारी उस नूं ही ना लग जावे। इस करके कोई भी व्यक्ति उस कुली विच नहीं जांदा सी। श्री गुरु नानक देव जी अते भाई मरदाना जी उस कुली विच पहुँच गए। जदों ओह अंदर जाण लगे तां ओह कोहड़ी व्यक्ति बोलिया कि तुसी अंदर ना आउणा, मैं एक कोहड़ी व्यक्ति हाँ, मेरे कोलों दूर रहो, किते तुहानूं वी कोहड़ की बीमारी ना लग जावे। इस दे बावजूद भी श्री गुरु नानक देव जी अंदर वड़ गए अते भाई मरदाना जी भी नाल जा के कुली विच बैठ गए। झुग्गी अंदर जा के गुरु जी ने भाई मरदाना जी नूं कहा कि रवाब छेड़ो, अते भाई मरदाना जी ने रवाब वजाउणी शुरू कर दित्ती अते गुरु नानक देव जी ने शब्द बोलने शुरू कर दित्ते अते उन्होंने कीर्तन किया। इस गुरबाणी का अर्थ सी कि शरीर नूं रोग तां ही लगदे हन जदों साडा मन रोगी हुंदा है, अते मन रोगी उदों हुंदा है जदों इंसान परमात्मा नूं याद करना भुल जांदा है। शरीर दे रोग जो बाहरों दिसते हन आदमी नूं दुख दिंदे हन, इन्हां बीमारियां दा इलाज अपने मन नूं परमात्मा दे नाल जोड़ के ही कीता जा सकता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सानू परमात्मा ने हाथ पैर अखां दूसरियां दी सहायता करन वास्ते दित्ते हन, पर असी उस सहायता तां करदे ही नहीं। जदों पूरी रात कीर्तन हुंदा रहा उह कोहड़ी उठ के बैठ गया अते जदों सवेर होई श्री गुरु नानक देव जी ने इशनान कीता अते उस कोहड़ी ने भी इशनान कीता। जदों उह कोहड़ी ने इशनान कीता तां उह पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुका सी। जदों उह तंदुरुस्त हो गया तां उह खुशी खुशी अपने घर वालियां नूं मिलण वास्ते गया। उह गुरु जी कोलों आग्या लै के घर वालियां नूं मिलण वास्ते चला गया। जदों उसके घर वालियां ने उसनूं देखा कि उह तां पूरी तरह ठीक हो चुका है, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होए। हुण पूरे पिंड नूं पता लग चुका सी कि उह कोहड़ी व्यक्ति ठीक हो चुका है। उन्हां नूं इह भी पता लगा कि जिस व्यक्ति नूं उन्हां ने घरों मोड़िया सी उन्हां दी रहमत दे करके ही उह व्यक्ति ठीक होया है। सारे पिंड वाले खिमा बख्शाउण वास्ते श्री गुरु नानक देव जी दे कोल चले गए अते चरणा विच डिग के माफ़ी मंगण लग पे। श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हां नूं उपदेश दिंदे हुए कहा कि सानू परमात्मा ने हाथ पैर दूसरियां दी सेवा करन वास्ते दित्ते हन, पर असी ओह सेवा नहीं करदे, परमात्मा नूं असी भुल चुके हाँ, जिस करके सानू रोग लग चुके हन। सानू परमात्मा दा नाम लैना चाहीदा है। यह रोग शरीर नूं कुछ भी नहीं कर सकते जेकर असी परमात्मा दे लड़ लगे हुए हुंदे हाँ। यह सारियां गल्लां सुन के पिंड वालियां विच खुशी फैल गई अते श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हां नूं उपदेश दिंदे हुए कहा कि
पिंड विच एक धर्मशाला तैयार करवाओ। यह उत्तम सेवा है। परमात्मा वालों बख्शे सुंदर शरीर ते हत्थां पैरां दे नाल सेवा करो। सिमरन करन दे नाल हर रोग ठीक हुंदे हन अते खुशियां प्राप्त हुंदियां हन। श्री गुरु नानक देव जी ने साध संगत जी नूं सच दा उपदेश दिता अते सेवा करन दा उपदेश दिता। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।